प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात बंदन। दूसरा तस्लोनिकियों दूसरा अध्याय 3 आयत। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की उम्मीद देने वाला एक सुसमाचार की किताब है तस्लोनिकियों। परमेश्वर की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह कब तक में आएगा इसका कोई निश्चय नहीं दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन किसी भी क्षण या किसी भी समय हो सकता है। यह सोच हमें विशुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित भी करता है। प्रभु के आगमन से पहले होने वाली कुछ घटनाएं दूसरा तस्लोनिकियों दूसरा अध्याय के 3-4 आयत में रेखित किया गया है। सबसे पहले विश्वास का त्याग किया जाएगा, उसके बाद अपने आप को ऊंचा उठा के दिखाने का परिश्रम मनुष्य करेगा। ऐसे लोगों में शैतानी आत्मा काम करती है। विश्वास के सत्य का मूल देके, त्याग कष्ट सह के, ऊंचा उठाए हुए मूल्यों को फेंक के, आज खुद बड़े होने की चाह में दूसरों में जो गलती नहीं है उसको उन पे थोप के उनको समूह के मध्य में छोटा बना देते हैं और खुद अच्छे या नीतिमान बनने का गर्व करना मनुष्य के स्वभाव से ज्यादा परमेश्वर के आगमन का लक्षण है। यह बात हम भय के साथ समझ के उसके अनुरूप ढल के परमेश्वर के आगमन का इंतजार करने में प्रभु हमको कृपा करें। हे हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। आपके आगमन का इंतजार हम विशुद्धि के साथ करने में आप हमारी मदद करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हो नहीं सकती।